फ्रेंड्स, पूनम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटर आलू। अब आप सोच रहे होंगे मटर आलू की रेसिपी कौन बताता है, तो ये हम बनाने वाले हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। और आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो आप हर बार इसी तरह से बनाने वाले हैं। इसके लिए लिए हमने 4 आलू लिए थे, इनको छील के मैंने इस तरह कट कर लिया है अच्छे से बॉस करके। अब हमने कढ़ाई में ऑयल लेके इसमें इसको गर्म किया है। इसमें हम डालेंगे आलू और इनको करेंगे अच्छे से फ्राई। देखिए फ्रेंड्स, ये आलू भुन चुके हैं, अब इन्हें बाहर निकालेंगे हम। फ्रेंड्स, ये जो ऑयल बचा था इसमें, उसी में हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। इसके लिए लिया है हमने थोड़ा से दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च है, थोड़ा जीरा है और एक बड़ी इलायची है और एक तेज पत्ता है। पीछे मसाले भुन गए, अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज कट कर लिए थे हमने उनको। प्याज को हमने थोड़ा सा भून लिया, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। फ्रेंड्स, ये प्याज और लहसुन का पेस्ट भुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। इसी के साथ हमें इसे अच्छे से भून लेना है। अब डालेंगे फ्रेंड्स इसमें हम 2 टमाटर की हमने ये प्यूरी बना ली थी इसको। और डालेंगे इसमें स्वाद अकॉर्डिंग नमक। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाले घोल के रखे थे उनको। और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से भुनने देना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे मटर। और इसमें डालेंगे आलू। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। फ्रेंड्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट की सब्जी बनने वाली है ये। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला। और फ्रेंड्स, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच देसी घी, इससे इसका स्वाद दुगना होने वाला है।
अब हम इसे अब हम इसे 3-4 मिनट तक कुकोने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर तैयार है। कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है, कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। और गैस का फ्लेम करते हैं बंद। और फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना है कि ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर हमारी ये मटर आलू की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, और हमारी वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स।